लास्ट टाइम व्हेन आई गेव दिस टिप्स टू माय स्टूडेंट्स, क्लासेस ही छोड़ दी उन्होंने। क्यों? उनको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, इंप्रूवमेंट इतनी हो चुकी थी। करवाई हुई रीडिंग और राइटिंग तो आपको आई जाती है, दैट्स नॉट अवर केस। वो आपको अभी तक इंस्टाग्राम वगैरह से पता चल गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक वोकैबुलरी के ऊपर नहीं है, ओके? इसको प्लीज समझना, दिस अ वेरी डिफरेंट थिंग जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में लेकर आ सकती है, रीडिंग में स्पेशली। आपको ये भी पता होगा इंस्टाग्राम होपफुली अभी तक मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि यही वोकैबुलरी यूज होती है आपकी रीडिंग को बनाने के लिए। जो भी चीजें हम करते हैं, सारा जो सीखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी केसेस में, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्चुअल में क्या रहता है कि आप क्या करते हो, जैसे स्कैटर का मीनिंग आपको पता है कि कोई चीज बिखर गई, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह की चीजें जिसमें वैरायटी वगैरह, अबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में, और ओवरवेलम का मतलब यहां से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। आप क्या करते हो, व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू जस्ट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। बट मीनिंग कभी भी सही नहीं रहता, मीनिंग की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। जैसे देखिए ओवरवेलम का मतलब होता है, ओवरवेलम का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा हो गया, मतलब आपको बहुत सारा काम दे दिया। कोई काम था जिसको करने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए, लेट्स से यू नीड टू हैव एटलीस्ट 4 आवर्स टू डू दैट, बट फिर क्या हुआ कि आपको 2 घंटे दे दिए। मतलब जिस चीज को करने के लिए पहले ही 4 घंटे चाहिए, और हमारा दिमाग पहले ही स्लो हुआ, हमें कहेंगे 6-8 घंटे चाहिए, और उसको आपको करने के लिए 2 घंटे दे दिए गए, ओवरवेलम। ओके, तो आप कहोगे कि दैट वॉज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी, बहुत ज्यादा मेरे दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ गया। जैसे इलॉन मस्क की एग्जाम्पल देते हो, बहुत सारे काम करता रहता है, 4-4, 5-5 कंपनियां चलाता रहता है, दैट्स रियली ओवरवेलमिंग फॉर हिम। तो दिस इज यूज्ड इन अ नेगेटिव फैशन समटाइम्स। बट उसी तरह मान लीजिए कि आप एक राइटर हो, और या फिर आपने किसी भी तरह की एक कंपनी खोली, उसके प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, और आपने सोचा था कि इस बार तो 1000 बुक्स बिकेंगी, लेट्स से यू आर राइटर। बट जो आपको रिस्पॉन्स मिला, आपकी 1000 बुक्स बिकने की बजाय 20,000 बुक्स बिक गई, मतलब जरूरत से ज्यादा, जो आपका दिमाग के ऊपर था कि दैट वॉज एन ओवरवेलमिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो एक ही वर्ड दैट कैन बी वेरी नेगेटिव, समटाइम्स द वर्ड कैन बी वेरी पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन। तो आपने ये नहीं देखना कि ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जब जरूरत से ज्यादा हो गया समथिंग, दैट वॉज रियली प्रेशराइज्ड, और आप देखो कि दैट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर द राइटर। वहां पर क्वेश्चन में लिखा गया कि राइटर के पास ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, और क्वेश्चन ये आ गया कि राइटर वॉज वे मोर हैप्पियर, बहुत ज्यादा खुश था। बट आपने तो कहीं पर मीनिंग पढ़ा था ओवरवेलमिंग का मतलब था जरूरत से ज्यादा प्रेशर वगैरह आ जाना, बट एक्चुअल में क्या था कि जितना जरूरत से ज्यादा हैप्पी था, वही चीज यहाँ पर ट्रू आ जाएगी। दैट मीन्स यू मस्ट फाइंड व्हाई और हाउ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज यूज, रेदर देन फाइंडिंग जस्ट द मीनिंग। मीनिंग आपको गलत लेकर जाएगा। और एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए अगर आपके पास वोकैबुलरी ये नहीं है तो मेक श्योर यू डू दैट, बस यही आपको एग्जाम में आएगी सारी। फिर मैं कह रहा हूँ करवाई और रीडिंग्स राइटिंग्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली हमेशा जो आपको रिपीट हो ही जाती हैं। सेकंड नंबर पर देखिए, लेट्स से इमीडिएट वर्ड को चेक करते हैं। इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है एकदम से, फुर्तीला, एकदम से। ओके, हमेशा ट्राई टू फाइंड व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड। मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क करने के लिए दिया, एंड यू आर एबल टू डू दैट विद इन 1 मिनट, यू आर रियली रियली क्विक, बहुत तेजी से किया, दैट मीन्स यू डिड इट इमीडिएटली, काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब 1 मिनट बहुत ज्यादा तेज होता है, 1 मिनट इमीडिएटली हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आपकी एक कंपनी थी एंड यू हैव मेड अ ग्रेट प्रोडक्ट, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है या फिर बनाया था, चलो हम उसको चेंज कर लेंगे, 5 साल लगे आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और दूसरी तरफ एक और कंपनी थी उसको भी 5 साल लगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके जैसा, बट आपको जो सेम सक्सेस था, यू वर एबल टू गेट एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस विद इन 1 मंथ, बट वही सक्सेस हासिल करने के लिए दूसरी कंट्री नॉट कंट्री दूसरी कंपनी को 2 साल लग गए, चलो 5 साल नहीं 2 साल। तो कंपेयर्ड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, आपकी जो सक्सेस थी दैट वॉज इमीडिएट। तो लेट्स से आप यही कहोगे पॉइंट ए, यू आर एबल टू गेट इमीडिएट सक्सेस बिकॉज ऑफ दैट। तो इमीडिएट आप यहां पर देखिए 1 मंथ इमीडिएट हो गया। पहले हम ये चीज प्रूव कर रहे थे 1 मिनट इमीडिएट है, बट ऑन द अदर हैंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू से कि 1 मंथ भी इमीडिएट है। होपफुली यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब किसी भी चीज का मीनिंग होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटिव, दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड दैट्स वाई आपको इंप्रूवमेंट को जो आप चाहते हो ना कि आपके माइंड कैपेसिटी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो वो इसी तरह से होगी। डू नॉट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड why and how this particular word is used. In this way, you will be able to succeed very, very well and at a faster rate. Thank you so much.